Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School presents Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes include course Studies of Playgroup 2 Class 12, Emotional and Communication Skills, Happiness Classes and DIY Activities. स्टूडेंट तो कहाँ बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे AXI और AY जे, ये क्या है वेक्टर हैं, ये क्या है वेक्टर हैं और इनको हमने क्या कर दिया है, एक वेक्टर को इनके कंपोनेंट्स फॉर्म में ब्रेक कर दिया है। वेक्टर ये है, ये उसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स हो गया और ये क्या हो गया वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स हो गया। ओके, अब ये जो AXI है और AYJ है, यानी AX और AY को हम क्या करते हैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करके ए के मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख देते हैं, ए के मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, ध्यान से समझिए, यही तो है ए एक्स, ए वन ही तो ए एक्स आई है और ए टू क्या है ए वाई जे है। ध्यान से समझिए, ये एंगल कितना है थीटा है। ओके, ये क्या है बेस है, हमें ए टू का वैल्यू फाइंड करना है, ए टू का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, नहीं ए वन का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो ए वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से फाइंड करूँ ए वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा ए वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली ये कितना एंगल बनना है, इसको क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा, तो अगर इसको मैं वाई एक्सिस के कॉम्पोनेंट के फॉर्म में लूँ, ये ए कॉस थीटा क्या मिला ए का एक्स कॉम्पोनेंट, ए का एक्स कॉम्पोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना मिला ए कॉस थीटा, अगर ए के बाई कॉम्पोनेंट में फाइंड करूँ तो ए का बाई कॉम्पोनेंट कैसे फाइंड करूँगा, ए ए ले लूँगा, जैसे ए वेक्टर ए लिया था और उसके और एक्स एक्सिस के बीच में जो जितना भी एंगल बना था उसके कॉस के साथ मैंने थीटा लिख दिया था, वैसे ही मैं क्या करूँगा ए लूँगा और इसके साथ में जितना भी एंगल बनाएगा ये वाई एक्सिस के साथ में उसके साथ क्या करूँगा कॉस के साथ लिख दूंगा, है ना। तो ए टू क्या मिल जाएगा मुझे ए कॉस, इस बार एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी क्या हो जाएगा ए साइन थीटा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स का वैल्यू कितना फाइंड कर लूंगा मैं, ए एक्स का वैल्यू आ गया ए कॉस थीटा, ए वाई का वैल्यू आ गया ए साइन थीटा, ये क्या है इसके कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक हो गए, ए एक्स का वैल्यू भी पता चल गया मुझे, ए वाई का भी वैल्यू पता चल गया, सिंपल यहाँ वैल्यू इनकी पुट कर दूंगा इन टर्म्स ऑफ ए, तो ये क्या आ जाएगा ए वेक्टर मुझे पता चल जाएगा। ओके, इसके आगे बात कर लेते हैं, अब ये तो क्या था, हमने ए वेक्टर हमें पता था और उसके कॉम्पोनेंट बनाए थे, अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हमें ए उसके कॉम्पोनेंट पता हो और हमें वेक्टर बनाना हो तब क्या करेंगे, सपोज करो ए एक्स और ए वाई हमको पता है, ए एक्स कितना है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, सॉरी ए एक्स ए कॉस थीटा है और ए वाई कितना है ए साइन थीटा है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं, यहाँ से फाइंड करेंगे ए का वैल्यू कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अगर बात कर लेता हूँ मैं टेन थीटा की, तो इसी ट्राइंगल में देखें आप, यहाँ से अगर टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या है ए वाई है, तो ये क्या हो जाएगा ए वाई अपॉन ए एक्स, ए वाई अपॉन ए एक्स, यही तो हो जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टेन वर्स ए वाई ओवर ए एक्स, यहाँ से क्या करना है मुझे ए का फाइंड कर लूंगा मैं, कॉम्पोनेंट्स पता थे मुझे ए वेक्टर पता चल गया उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा इतना होगा और डायरेक्शन में इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर लूंगा। ओके,